महाराष्ट्र के कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। शिपलून, ठाणे, पालघर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां इस वक्त महासंकट है। कुदरत का सबसे बड़ा कहर महाराष्ट्र के महाड़ में टूटा। मूसलाधार बारिश के चलते हुए लैंडस्लाइड में अब तक 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के मलबे में दबने से मौत हो चुकी है। माना जा रहा है कि और भी लोग दबे हो सकते हैं। एनडीआरएफ और नौसेना की 2 रेस्क्यू टीम रायगढ़ के महाड़ में ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। चेतावनी ये कि अगले 48 घंटे ठाणे में भारी बारिश हो सकती है। ये तस्वीरें भिवंडी की है, जहां लोगों के घरों में पानी घुस गया। देखिए किस तरह लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। नागपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से कोलार नदी में जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने कोलार नदी के आसपास रहने वालों को सतर्क रहने की सूचना दे दी है और निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्कूलों में शिफ्ट होने की हिदायत दी गई है। भारी बारिश की वजह से शहर के दक्षिण और पश्चिम हिस्से को जोड़ने वाला सबवे पानी से लबालब भर गया। तस्वीरें देखिए किस तरह मंदिर और घाटों पर पानी ही पानी है। आज तक ब्यूरो। और मौसम वैज्ञानिक कुदरत के इस कहर के पीछे क्या संकेत देख रहे हैं, हमने मौसम वैज्ञानिक से बात की। अभी जो महाराष्ट्र में बारिश हो गई है, इसकी वजह है कि जो द्रोणीय स्थिति मानसून जो ट्रफ है वेस्ट कोस्ट में अरेबियन सी में एक कम दाब का क्षेत्र तैयार हुआ है, इसकी वजह से वो क्लाउड की जो डेवलपमेंट है हो रही है और बारिश भी आ रही है। बेहिसाब बरसात ने देश के बहुत से ऐसे राज्य जहां पर कोहराम मचा रखा है, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं है बल्कि दूसरे राज्य भी ऐसे जहां पर आफत की बारिश हो रही है। सबसे पहले अब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर उफनते नदी नाले मुसीबत बने हुए हैं। शहर में सैलाब है, मौसम की मार है और आम लोग परेशान है। कहीं सैलाब का शोर है, कहीं आफत भरी तूफान, तो कहीं बारिश की मार के बीच मुसीबत में जान। मध्य प्रदेश के शहर शहर में बादल जमकर बरस रहे हैं और लोगों पर राहत की बजाय मुसीबत बरसा रहे हैं। कुछ ऐसे ही उफनते संकट के बीच ये युवक भी फंस गया। पिलवास गांव के नाले में पानी बढ़ा तो सैलाब बनकर पुल के ऊपर तक पहुंच गया और सैलाब के बीच पुल पार करने की कोशिश में युवक की जान पर बनाई। बाइक के साथ वो बहता चला गया और किनारों पर मौजूद लोगों की सांसें अटक गईं। हालांकि गनीमत रही कि बहाव के साथ बहा युवक कुछ दूर आगे जाकर नाले से निकल आया। आगर मालवा में भारी बारिश पूरे शहर पर मुसीबत बन गई। बढ़ता पानी तेजी से कई इलाकों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। तेज बहाव के बीच दहशत पैदा करती ये तस्वीरें छतरपुर की। राजनगर इलाके में ये लोग मछली पकड़ने आए थे लेकिन खुद ही जलधारा के जाल में फंस गए। बचाव के लिए पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और किसी तरह रस्सी की मदद से दोनों को बाहर निकाला। जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने वाले पुलिस वालों को सरकार ने इनाम देने का ऐलान किया। राजनगर
में जो हमारे एसआई हैं, उन्होंने नदी में अपनी जान को जोखिम में डालकर पंकज शर्मा एसआई ने दो लोगों को बचाया है, उनको मैं बधाई देता हूं एज ए गृह मंत्री, और घोषणा भी करता हूं कि उन्हें राज्य के अंदर जो पुरस्कार होता है वो पुरस्कार भी हम देंगे। कुछ ऐसी ही मुसीबत में बैतूल के तीन लोग भी फंस गए। सारणी इलाके के ये लोग खेतों में काम करने गए थे, लेकिन अचानक पानी ऐसा बढ़ा कि फिर बाहर निकलना मुश्किल हो गया। पानी के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए अफरा तफरी मच गई। गांव वालों के साथ पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और किसी तरह इन तीन लोगों की जान बचाई जा सकी। अब आ गए, अब उधर सुबह सूचना मिली थी कि तीन लोग खटकार नदी में फंस गए हैं। ये लोग धान लगाने गए थे, उसके बाद बारिश हो जाने से पानी बहुत ज़्यादा आ गया जिससे वो बीच में फंस गए। इस सूचना पर हमारे थाने से बल गया तथा रस्ता वगैरह लेके गए और ग्रामीण वासियों की मदद से उनको सकुशल बाहर निकाला और उनके घर भेजा। सर कितनी देर चला ये रेस्क्यू? करीब आधे घंटे करीब चला था। सर किसी जान माल की? नहीं, किसी की कोई जान माल नहीं, सकुशल सभी को बचा लिया गया। बैतूल में भारी बारिश का असर बुरहानपुर पर भी पड़ रहा है। बांध के तीन गेट खोले जाने के बाद बुरहानपुर में ताप्ती नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। घाट किनारे बने मंदिर डूब रहे हैं और खतरा शहर की ओर बढ़ रहा है। नदी के बढ़ते पानी को देखते हुए लोगों के घाट किनारे जाने पर रोक लगा दी गई है। कल से लगातार बरसात से वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा था, साथ ही बैतूल के डैम द्वारा तीन गेट खोले गए थे, उस पानी से भी जलस्तर में एकदम से बढ़ावा आया। उसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी थानों को अलर्ट किया गया था और सभी घाटों पे, पुल पे और ऐसे स्थान जहां पब्लिक का आवागमन है और पानी और नदी है वहां सुरक्षा इंतजाम लगाए गए हैं। स्मार्ट सिटी इंदौर को भी बरसते बादलों की ऐसी मार झेलनी पड़ रही है। क्यों अधिकारी कुछ नहीं करते हैं? कुछ भी कोई नहीं, कोई पार्षद ने सुध नहीं लिया आज तक। ये रोड सबको मालूम है। अच्छा, ये सबको मालूम है कि क्या है क्या नहीं, कितना हाल बुरा है यहाँ पे। पानी अगर 15-20 मिनट पानी गिरता है तो पानी यहाँ पे भरा जाता है और करीब इस समस्या से हम 4-5 साल से गुजर रहे हैं। यहाँ पर न कोई पार्षद, न कोई विधायक, न किसी प्रकार का नेता ध्यान देते हैं। पास में डीपी भी है, पीछे आप देख सकते हो डीपी भी है और कभी करंट मिलने का डर है। मुश्किल इस बात की भी है कि मौसम विभाग 5 अगस्त तक पूरे मालवा क्षेत्र में भारी बारिश की आशंका जता रहा है। ये ऐसा ही मौसम अगली पांच तारीख तक ऐसा बना रहने की संभावना, बीच बीच में कभी कभी एक या दो दिन मौसम खुलने की संभावना। जाहिर है अगर बारिश का ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोगों को और मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो।